हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज डे 22 पर फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला टॉपिक आपका तीन चीज़ों पर बेस्ड है। पहला प्रेशर और उसके वेरिएशन का कंसेप्ट, जिसके अंदर पास्कल्स लॉ, प्रेशर के वेरिएशन, एक्सेलरेशन जीरो वाले कंटेनर में, एक्सेलरेटिंग कंटेनर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सेकंड कंसेप्ट आपका रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, और थर्ड कंसेप्ट अपना बर्नौली थ्योरम और कंटिन्यूटी का रहेगा। तो ये तीन चीज़ों से फ्लूइड मैकेनिक्स है। बहुत ज़्यादा मेडिकल एग्जाम में नहीं आता, जो चीज़ आई हुई है वो काफ़ी आसान है, आप आराम से आज के लेक्चर से कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर टेस्ट से आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये टॉपिक आपका सॉलिड हो जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं प्रेशर के कंसेप्ट से। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर होता, फॉर्मूला तो आप जानते हो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर। अब हम शुरू कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बेसिक फॉर्मूलों से। तो अगर दो पॉइंट अलग अलग लेवल पर होते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, या लिक्विड के अंदर, तो जैसे मान लो ये वन और टू दो पॉइंट हैं और दोनों के बीच का हाइट का लेवल या डेप्थ का लेवल h है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है। तो जो पॉइंट डेप्थ पर होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो पॉइंट हाइट पर होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। तो डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन का इक्वेशन है P2 - P1 = h ρg, जहाँ h हो गया दोनों पॉइंट के बीच का डेप्थ, रो हो गया लिक्विड का डेंसिटी, g आप जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे बढ़ता है, तो सीरीज बात h रो जी के हिसाब से बढ़ता है। अब आते हैं सेम लेवल। अगर दो पॉइंट सेम लेवल पर हो तो सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना, गिवन लिक्विड सेम होना चाहिए। तो सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है और डेप्थ के साथ प्रेशर h रो जी के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। इन दो थ्योरम के ऊपर बेस्ड यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट, गैस मैनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को पहले हम कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते जाओ आप। अब सबसे पहले इसमें एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, ये भी थ्योरी में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप ये तीन डिफरेंट शेप्स के कंटेनर देख रहे हो, पर इन तीनों कंटेनर के अंदर लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विड एच हाइट तक है, यहाँ पर भी एच हाइट तक भरा हुआ है, एंड सिमिलरली तीसरे कंटेनर में भी एच हाइट तक भरा हुआ है। शेप अलग अलग होने से लिक्विड का वेट तो अलग अलग होगा, बट बॉटम पर लगने वाला, यहाँ लगने वाला जो प्रेशर होगा वो सब में सेम होगा। ये वो जगह है जो एटमॉस्फेरिक को एक्सपोज्ड है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते ही हो, पी नॉट से हम डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम सिंपली 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे, और या फिर हम इसको 10^5 पास्कल बोलेंगे, या फिर हम इसको 1 एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताते जाऊँगा। तो पी नॉट की जो वैल्यू हमारे पास है वो अवेलेबल होती है, उसकी कोई खास टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैलकुलेशन का मैं एक रास्ता भी दूंगा आपको। तो अब अगर आप बेस पर प्रेशर निकालोगे तो वो हो जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। तो कंसेप्ट ये है कि किसी भी शेप का कंटेनर हो, अगर लिक्विड सेम हाइट तक भरा हुआ है, तो बॉटम पर लगने वाला प्रेशर जो होगा वो सब कंटेनर में सेम रहेगा। तो ये पी ए, पी बी और पी सी तीनों में प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, बट वेट अलग अलग होगा। वो इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि तीनों कंटेनर्स का वॉल्यूम अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये भी कई सारे छोटे मोटे एग्जाम्स में या फिर थ्योरी बेस में बना करके इस प्रॉब्लम को पूछा जाता है। तीसरा देखो, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, इसलिए लिक्विड जितनी हाइट तक राइज करता है वो सब में हाइट जो मिलती है वो सेम मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप। तो आप देख रहे हो यहाँ एक सिंपल हमारे पास एक पतली सी ट्यूब है, यहाँ ये एक टेपर्ड ट्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर कोई इरेगुलर शेप की, यहाँ ये स्फेरिकल शेप की, तो कैसा भी शेप हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेशर सेम है तो लिक्विड जिस हाइट तक राइज करेगा वो हाइट भी वर्टिकल हाइट, ध्यान रखना स्लैंट हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी। अब न्यूमेरिकल की बारी। देखो न्यूमेरिकल शुरू से ही काफ़ी अच्छे इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में भी अच्छा है, कैलकुलेशन के रास्ते भी सीखो और आपके नीट एग्जाम के लिए तो परफेक्ट है ही है। अब लैंग्वेज देखो, कहता है प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक, तो हाफ द डेप्थ पर हम आ गए। इस जगह का जो प्रेशर हमें दे रखा है उसका नाम मैंने P1 कर लिया, इज इक्वल्स टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेक। तो बॉटम ऑफ लेक का प्रेशर P2 ले लिया, डेप्थ ऑफ लेक हमने h ले ली, तो P1 की जो वैल्यू है 2/3 P2 है, ठीक है ना, और P1 हाफ द डेप्थ पर प्रेशर है। वी हैव टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ लेक। अब कैसे इसमें प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, तो पहले जो एग्जामिनर ने लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज के हिसाब से जहाँ जहाँ का प्रेशर जितना जितना है वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब डाटा आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, पहले आपको P1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से P1 का वैल्यू निकालो, वो हो गया P0 + h/2 ρg। तो मैंने इधर डाला P0 + h/2 ρg, रो ध्यान रखना पानी की डेंसिटी है, इज इक्वल्स टू 2/3। अब आप P2 की वैल्यू लिखो विद रिस्पेक्ट टू P0, तो P2 की वैल्यू हो गई P0 + h ρg,
अब ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो पी नॉट प्लस एच बाई टू रो जी इक्वल्स टू टू बाई थ्री पी नॉट प्लस टू बाई थ्री एच रो जी, और इसको उधर भेजो और रिजल्ट बना हमारे पास पी नॉट बाई थ्री इक्वल्स टू, इसको आप इधर लाओ, टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू और एच रो जी हो गया बेटा कॉमन। कैलकुलेशन हम पूरी करेंगे लास्ट स्टेप तक ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। तो लेफ्ट साइड पर बचा पी नॉट बाई थ्री, राइट साइड पर आ गया फोर माइनस थ्री दैट मीन्स वन बाई सिक्स एच रो जी, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और डेप्थ ऑफ लेक की वैल्यू हमारे पास आ गई ट्वाइस ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय रो जी। अब हमें लास्ट स्टेप में वैल्यूज जा करके डालने हैं, ये नहीं पहले ले करके वैल्यू कूद पड़े, नहीं कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप में सारे वैल्यूज प्रॉपरली सेट करो। पी नॉट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू डालो आप इसका 10 की पावर 5, ये एसआई सिस्टम में हो गया 1.01 को इग्नोर करो। रो हो गया पानी का डेंसिटी 1000, जी ग्रेविटी 10, तो डेप्थ ऑफ लेक मेरे पास आ गई 20 मीटर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेप्थ ऑफ लेक की वैल्यू हो गई 20 मीटर। इस क्वेश्चन को आप मुश्किल नहीं कह सकते, ना इस क्वेश्चन को हम बहुत हाईली कैलकुलेटिव कह सकते हैं, बस ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, चीज़ों के हिसाब से हमें रिएक्ट करना होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आपका अगर इसमें से सवाल आया तो 100% सही हो जाएगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब ये एयर बबल का, इसको तो लिख के रख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, लिख के रख लो मोटे मोटे अक्षरों में, दिखना चाहिए लास्ट मोमेंट पे कि यार ये सर ने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एज इट इज वर्ड टू वर्ड फंसता है, कहाँ कहाँ आ चुका है, एयर ट्रिपली आ चुका है, एम्स में आ चुका है, नीट में आना बाकी है, ठीक है ना। तो अगर आपको नीट एग्जाम में मिल जाए ना ना सॉल्व नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूँ आंसर उड़ा के चले आना, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन भी नहीं होता। हाँ अब देख लेना, अगर कर दिया एग्जामिनर ने मॉडिफाई फॉर द टाइमिंग, मेरी बात उसने सुन ली कि नहीं यार ये बोल रहे थे कि मॉडिफाई नहीं होता, चलो हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो रुक के एक बार चेक जरूर कर लेना, मॉडिफाई हो गया तो इसको सही से सॉल्व करना है। अब मैं बताता हूँ है क्या प्रॉब्लम। एयर बबल नहीं, सरफेस टेंशन नहीं लगानी, कहता है एयर बबल से डेप्थ ऑफ लेक निकालेंगे। अब आपको एयर बबल से कैसे डेप्थ ऑफ लेक निकल जाएगी, तो देखो कंसेप्ट कहता है एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो एक एयर बबल, अब एयर बबल कई बच्चे पूछ रहे हैं सर एयर बबल कैसे बनता है, हवा में फूक मारने से तो एयर बबल नहीं बनेगा, एक स्ट्रॉ लो, पानी का ग्लास लो, फूक मारो, बन गया एयर बबल। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, एयर बबल के अंदर एयर होगी, बाहर वाटर होगा, सिंगल सरफेस होता है इसके अंदर। तो ये एयर बबल का फॉर्मेशन यहाँ होगा और ये सरफेस की तरफ राइज किया और इसका रेडियस डबल हो गया। अच्छा कई बार एग्जाम में मॉडिफिकेशन ऐसे कर देते हैं, रेडियस नहीं देते सीधे सीधे, कहते हैं वॉल्यूम हो गया 8 times या वॉल्यूम डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, वॉट एवर बी द केस, मतलब जो भी केस वहां पर रहे उसके हिसाब से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। अब फिलहाल पहले आप कंसेप्ट सुनो, तो जब एयर बबल बॉटम से टॉप पर राइज करेगा तो कंसेप्ट क्या है, जो एयर इसके अंदर ट्रैप्ड है वो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है, बस खाली बबल का साइज बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है भाई, वो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो हम इस सवाल को मोल कंजर्वेशन से करते हैं, तो जितने एयर के मोल यहाँ पर है उतनी एयर के मोल यहाँ पर है, मोल की वैल्यू डालोगे आइडियल गैस इक्वेशन से तो पीवी अपॉन आरटी, आरटी आरटी दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने में कोई टेम्परेचर का चेंज तो हुआ नहीं, ऐसा भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो पी1 वी1 इक्वल्स टू पी2 वी2, P1 हो गया यहाँ का प्रेशर, P2 हो गया यहाँ का प्रेशर। अब इधर का प्रेशर तो P0 के बराबर हो गया और इधर का प्रेशर हो गया P0 प्लस एच रो जी। अब चीजें सही से इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो P1 की जगह बेटा आ गया हमारे पास P0 प्लस एच रो जी इंटू बबल का वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। तो इधर का हमने वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया 4/3 πr³। P2 मतलब यहां का जब वो सरफेस पर पहुंचा वहां का प्रेशर विच इज P0 और इधर का वॉल्यूम हो गया 4/3 π8 r³। अब देखो ये वाली चीज तो पहले कैंसिल आउट हो गई, अब लेफ्ट साइड पर बचा P0 प्लस एच रो जी और राइट साइड पर आपके पास आ गया 8P0। अब इस चीज को यहां पर लाओ तो एच रो जी इक्वल्स टू 7P0 और एच की वैल्यू 7P0 बाय रो जी। तो एम्स के अंदर उसने एज इट इज बस इसी टर्म में रिलेशन पूछ लिया था, हम लोग इसका पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो 7P0 की जैसा मैंने वैल्यू बताई अभी 10 की पावर 5, रो हो गया 10 की पावर 3, जी की जगह आ गया 10, आंसर आ गया 70 मीटर। तो लेक की जो डेप्थ है
इस सिचुएशन में वो है 70 मीटर। हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, बट आपको पता हो तब आप कर पाओगे, नहीं तो अचानक से सुनोगे एग्जाम के अंदर तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या लगाएं। किसको याद आता है कि मोल कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स लग गया मोल कंजर्वेशन आकर के। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको पता होने चाहिए, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने खाली बुक की थ्योरी पढ़ करके वहाँ चले जाओगे तो आपसे सवाल नहीं होंगे। उसका कारण ये है कि वो चीज़ें जो एग्जामिनर बनाता है उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे रहा हूँ टेस्ट के अंदर और करा रहा हूँ ताकि आप लास्ट मोमेंट पे वहाँ पर ब्लैकआउट ना हो जाओ, आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि इनसे आप रिलेट कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको संभाल के रखना। अच्छा, मॉडिफिकेशन जैसा मैंने बताया कि अगर हो जाए तो आपको मैनेज करना है। मॉडिफाइड फॉर्म मैंने आपको टेस्ट में डाल के दिया है, अब ये नहीं बताऊंगा क्या किया है, वो आपको टेस्ट में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसको बोलते हैं गैस मैनोमीटर। इसमें क्या होता है, ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम मरकरी फिल कर देते हैं और इस मरकरी से फिल ट्यूब को ले जा करके गैस के जो कंटेनर है उस कंटेनर के साथ इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ एक वॉल्व लगा हुआ होता है, वो मैंने हटा दिया था, खोल दिया था। अब जैसे ही इस वॉल्व को ओपन करते हैं प्रेशराइज गैस यहाँ पर आती है और इस जगह पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो यहाँ से जो मरकरी होती है वो नीचे चली जाती है, इधर मरकरी ऊपर राइज कर जाती है। इस जगह का प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस कहलाता है। अब किसी भी निमार्कल में प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए हम अपनी वही दो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है और वर्टिकल लेवल पर एच रो जी के बराबर होता है। अब आप देखना, तो यहाँ अगर पी गैस है तो यहाँ भी प्रेशर पी गैस होगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वॉल्व इज ओपन एंड चेंज इन लेवल इज 25 सेंटीमीटर। तो मरकरी का जो लेवल चेंज हुआ इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। मरकरी की डेंसिटी का कैसे अच्छी तरीके से यूज करना है ये भी मैं बताता हूँ। तो इसमें कैलकुलेशन का एक स्मार्ट वर्क किया जाएगा, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, अभी मैं सिखाऊंगा तो बढ़िया से पता चल जाएगा, सीखो। तो प्रेशर ऑफ गैस हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच में हमने अपना वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो पी गैस की वैल्यू होगी पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वैल्यू होगी 10^5, एच हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे देखा एच रो जी उठा के वैल्यू सेट करना शुरू कर दिया, एच की जगह 25 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्वेश्चन में गिवन ही होती है 13.6 × 10^3, जी का वैल्यू आप जानते ही हो, पुट किया बेचारे लगे हैं सॉल्व करने में, नहीं ऐसे नहीं करना। जब आपको एच रो जी सॉल्व करना है मरकरी के लिए तो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल हमें करना है, वो टेक्निक ही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू सुना था 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है तब जब मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर होती है, इसको बैरोमेट्रिक हाइट बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के लिए जो प्रेशर है वो है पी नॉट, ठीक है, मतलब 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको एक यूनिटरी मेथड बना के दे रहा हूं जिसका यहां पर आप यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी। 76 हमारा खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ता है क्योंकि कटता नहीं जल्दी ये किसी से, इसलिए इसको ये हमारा खेल बिगाड़े इसलिए हम इसको ही बिगाड़ देते हैं और 76 की जगह राउंड फिगर में 75 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये सब जुगाड़ तंत्र है, ध्यान से सीखना। तो 75 सेंटीमीटर का प्रेशर पी नॉट है, तो 1 सेंटीमीटर का जो प्रेशर हो गया मरकरी का, ये बात ध्यान रखना, किसी और का नहीं, पता चले पानी का आया तुमने पानी का भी प्रेशर उठा करके पी नॉट लगा दिया, नहीं भाई, ठीक है ना, ये मरकरी के लिए है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर हो गया वो हो गया पी नॉट बाय 75। तो एच सेंटीमीटर, तो आप ध्यान से देखना, तो जब भी आपको पर्टिकुलर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा हो तो एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर हो गया एच बाय 75 पी नॉट, ये आपकी सारी मुसीबत खत्म कर देगा, ठीक है ना, और आपको एच रोजी का एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल के देगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप एच रोजी की कैलकुलेशन से बच सकते हो। अब आपको कितनी हाइट दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, आपको 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर चाहिए था, पुट कर दो बेटा इसमें, तो 25 बाय 75 × P0, तो ये रिजल्ट बना। अब देखो कितना आसान हो गया, 75 × P0 हो गया 10^5, इसे कहते हैं खेल, ठीक है ना, इस तरीके से हम कैलकुलेशन से बचते हुए निकल आते हैं। तो यहाँ बेटा बचा 1/3, आंसर में आ गया 4/3 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर अब ऑप्शन देखना पड़ेगा
4/3 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हो आप इसको, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि आंसर किस टर्म में हमें दे रखा है। तो ये होता है परफेक्ट कैलकुलेशन का तरीका, जब h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का हमें प्रेशर निकालना हो तो आगे इस रास्ते को आप ध्यान रखना, ये चैप्टर में हमें काम में आएगा। अब एक और चीज आती है, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर होता है गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। तो पी गैस और पी नॉट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो पी गैस माइनस पी नॉट किया तो भाई ये तो एच रो जी के बराबर है, तो वही चीज मैंने फिर से लगा दी, यानी गॉज प्रेशर की वैल्यू हो गई 1/3 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी गैस मैनोमीटर के सवाल को बिल्कुल एक लाइन के अंदर खत्म कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा, कई बार ये इनके पास पाइप थोड़ा घर से फालतू होता है तो ये 3-4-5 यूं करके राउंड लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहुंच जाओ सेम लेवल पर, प्रेशर सेम करो, वर्टिकल लेवल पर एच रोजी के बराबर करो, वहां से भी आप रिजल्ट को निकाल सकते हो बिना किसी खास दिक्कत के। अब चलते हैं अगले पर। अगला कंसेप्ट है यूट्यूब का। यूट्यूब का कंसेप्ट भी वन लाइन का कंसेप्ट है, सिर्फ एक लाइन के अंदर आप यूट्यूब को धज्जियां उड़ा सकते हो। अब देखो ये हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर इनिशियली दोनों तरफ सेम लिक्विड मरकरी, मान लो मरकरी भरा हुआ था और दोनों तरफ का लेवल सेम था। हमने क्या किया, दोनों तरफ इधर और उधर लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड फिल करने शुरू किए। तो क्या हुआ, इधर जैसे ही लिक्विड डाला मरकरी यहां से नीचे खिसक गई, यहां से नीचे खिसकी तो यहां से ऊपर गई। कितनी नीचे गई और कितनी ऊपर गई ये डिपेंड करता है इन ट्यूब के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो जितना मरकरी नीचे जाएगी उतना यहां से ऊपर आएगी, क्योंकि ax होता है वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम यहां से नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम यहां से ऊपर आएगा। अगर एरिया सेम है तो जो डेप्थ रहेगी या जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो भी सेम रहेगा। अगर एरिया अलग अलग है तो a1x1 = a2x2 से आप निकाल सकते हो। अच्छा, फिलहाल मैंने ट्यूब का एरिया सेम ले रखा है तो दोनों तरफ मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड फिल कर दिए। अब पूछता है ये जो मरकरी के लेवल के अंदर चेंज आया ये कितना होगा, इसे निकालने का सिर्फ वन लाइन का तरीका है, मैं आपको तरीका लगा के दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना ठीक है। फिर इस मेथड से हम लोग यूट्यूब के आए हुए प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तरीका यह है कि सबसे पहले आप रेफरेंस डिसाइड करो। रेफरेंस यानी वो जगह जहां तक प्रेशर सेम है। देखो यहां लिक्विड सेम है तो प्रेशर सेम है, यहां भी सेम है, यहां तक सेम है, इसके बाद दोनों तरफ का लिक्विड अलग अलग है। तो ये वो जगह है जहां तक प्रेशर सेम है। तो हमने इस रेफरेंस लाइन को बना दिया और इस जगह के प्रेशर को हमने पी कर दिया, क्योंकि ये ओपन ट्यूब है तो ऊपर का प्रेशर पी नॉट होगा, सिमिलरली यहां का प्रेशर पी नॉट होगा। अब इधर का प्रेशर डिफरेंस हो गया P माइनस पी नॉट, सिमिलरली इधर का प्रेशर डिफरेंस भी हो गया P माइनस पी नॉट, यानी कि यूट्यूब के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर डिफरेंस सेम है। तो आप उस प्रेशर डिफरेंस को इक्वेट कर दो, बस इतना ही करना होता है। तो लेफ्ट साइड का प्रेशर डिफरेंस तो P माइनस पी नॉट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू P माइनस पी नॉट ऑन राइट हैंड साइड। तो इधर साइड का P माइनस पी नॉट निकालोगे तो वो हो जाएगा एच रो जी के बराबर। अब अगर एक लिक्विड है तो कोई बात नहीं एच वन रो वन जी कर लो, मल्टीपल लिक्विड है तो सिग्मा एच रो जी कर लो। तो वो डिपेंड करता है कि सिंगल डेंसिटी का लिक्विड है या मल्टीपल डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है। जैसे लेफ्ट साइड पर तो एक ही डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है तो एच वन रो वन जी। अब आ जाओ राइट साइड पर, राइट साइड पर एक है ब्लू कलर और एक है ग्रीन कलर, दैट मीन्स दो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड फिल्ड है। पहले इसका लिखते हैं एच रो जी, वो हो गया डेल्टा एच रो जी। अब आप लिखो इधर का एच रो जी, वो हो गया एच टू रो टू जी। अब तो ये जी से जी कैंसिल करो और यहां से आप डेल्टा एच निकाल सकते हो, कोई यूनिट कन्वर्जन की हमें इसमें जरूरत नहीं होती। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है यूट्यूब की, लेफ्ट और राइट साइड का प्रेशर डिफरेंस बराबर करो, खेल खत्म हो जाता है। अब प्रॉब्लम पर आते हैं, तो पहले मेरा प्रॉब्लम देखो उसके बाद फिर जो आपके में आया हुआ है प्रॉब्लम वो मैं इसके बाद दिखा देता हूं। तो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड फिल्ड है, जैसे येलो कलर का H और 2 रो का है, रेड कलर का 2H और रो का है, ये जो ब्लू कलर का है इसकी डेंसिटी रो है, और इधर जो ये ग्रीन कलर का है इसकी हाइट 3H है और डेंसिटी रो बाय 3 है। हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। रेफरेंस आप देख रहे हो मैंने पहले ही बना रखा है, तो अब बस लेफ्ट साइड का और राइट साइड का प्रेशर डिफरेंस हमें इक्वेट करना है। तो P माइनस पी नॉट यानी एच रो जी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सिमिलरली एच रो जी ऑन राइट हैंड साइड। सिग्मा एच रो जी मैंने इसलिए लगा दिया कि सिंगल है मल्टीपल है सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलो नापते हैं यहां का एच रो जी, तो पहले इधर से शुरू करते हैं, तो 2H रो जी प्लस एच 2 रो जी, ये हो गया लेफ्ट साइड का P माइनस पी नॉट का वैल्यू। अब राइट साइड के P माइनस पी नॉट पर आ जाओ, तो पहले मिला डेल्टा H और इस ब्लू की डेंसिटी है रो जी
और साथ में ग्रीन कलर का आ गया हमारे पास 3H रो बाई 3 इंटू जी। अब इसको कर लेते हैं बेटा सिंप्लीफाई, पहले ये G तो हटाओ, इधर साइड मिल गया 4H रो डेल्टा एच रो जी, और सॉरी जी तो हम कैंसिल कर चुके थे तो डेल्टा एच रो, और साथ में आ गया ये 3 कैंसिल हुआ एच रो, तो इसको इधर भगाओ तो 3H रो इक्वल्स टू डेल्टा एच रो, रो से रो भी कैंसिल और डेल्टा एच की वैल्यू आ गई 3H के इक्वल। तो आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि डेल्टा एच का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 3H के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो बिल्कुल आसान है। और अब वो प्रॉब्लम देख लेते हैं जो आपके में आया हुआ था। तो इस तरीके का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। प्रॉब्लम का एक बार फिर से मेरे साथ ही आप डाटा देख लो, आपको जो अच्छा लगेगा। तो इधर साइड ग्लिसरीन फील्ड है, यहाँ पर ऑयल फील्ड है, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कहता है वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है दोनों तरफ का, ओके। कंटेन्स मर्करी इन बोथ साइड ऑफ इट्स आर्म, तो दोनों तरफ मर्करी फील्ड है। और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का डेंसिटी आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ इट्स आर्म, तो 10 सेंटीमीटर का ग्लिसरीन का कॉलम हमने इंट्रोड्यूस किया। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो ऑयल है इसका डेंसिटी रूट टू कर लो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अनटिल द अपर सर्फेसिस ऑफ द ऑयल एंड ग्लिसरीन आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये जो अपर सर्फेसिस हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर। इसका भी एक खास काम होता है, अब सुनो क्या काम है भाई। ये दूरी 10 है, इतना एच है, तो यार ये हो गया ना फिर कितना 10 माइनस एच, तो ये लेवल सेम करने का फायदा मिलता है। सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन गई दोनों तरफ। अच्छा, अब पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम, यानी एच के बारे में पूछा गया है। मर्करी की डेंसिटी आप जानते ही हो, यहां पर लिख देता हूं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब किया क्या, कुछ खास तो नहीं किया, लेफ्ट साइड का एच रो जी निकाला, वो हो गया 10 × 1.3 × g, ठीक है ना। राइट साइड का एच रो जी लिया, तो 10 − h × 13.6 × g, और साथ में इधर का हो गया हमारे पास 0.8 × h × g, ठीक है ना। अब इसको करा हमने सिंप्लीफाई, यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आई विच इज नियरली इक्वल्स टू 9.6, ऑप्शन हमें डी मिल गया। पर नहीं, आपने नहीं छोड़ना, आपने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने सेम नीट 2017 के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम उठाया, 2017 में आया हुआ आप करो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल एज इट इज, उसमें भी यही वर्ड है कि टॉप लेवल सेम है। अब आप उसको 2017 के प्रॉब्लम को जरूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी यूट्यूब हम कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं पास्कल्स लॉ पे। पास्कल लॉ में क्या होता है, चीजें जब इक्विलिब्रियम में होती हैं, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर का एक तरफ चेंज किया जाए या किसी भी एंड पर प्रेशर चेंज किया जाए, तो वो चेंज इन प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। उसके ऊपर बेस्ड है ये हाइड्रोलिक जैक, जिसके अंदर एक तरफ का एरिया छोटा और एक तरफ का एरिया बड़ा होता है। छोटे एरिया पे छोटी फोर्स लगाते हैं और बड़े एरिया से बड़ी फोर्स यानी लार्ज फोर्स आउटपुट में ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ से लगाई गई फोर्स प्रेशर को चेंज करती है, तो इधर का चेंज इन प्रेशर हो गया F1/A1, और सिमिलरली यहाँ का चेंज इन प्रेशर हो गया F2/A2, तो F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2 करके किसी भी अननोन डाटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10^7 डाइन ऑन वाटर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अदर पिस्टन विच सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2000 kg इज, तो हमें इधर का ये पता करके देना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, F1/A1 F2/A2 लगाया। हाँ, अब इधर का SI सिस्टम में नहीं है, डायन में चल रहा है, CDS में चल रहा है, तो हम ले आएंगे SI में 10^5 से डिवाइड करते हुए। तो लेफ्ट साइड का मैंने फोर्स, अब ये मैंने या तो 10^5 से इधर डिवाइड कर लो या इसको SI को CDS में कर लो, बात एक ही सी है। तो मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर राइट साइड को अपना CDS में कन्वर्ट कर लिया 10^5 से मल्टीप्लाई करते हुए, और बड़े क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया 2 × 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इस हिसाब से आप देखो तो सेकंड करेक्ट हो गया। तो बहुत आसान है, हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट, या फिर आप इसको हाइड्रोलिक प्रेस भी बोल सकते हो, कि F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2 करते हुए हम कोई भी अननोन डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये थोड़ा सा
मेडिकल में कम आता है, बट आईटी में इसका स्कोप ज़्यादा है, ठीक है ना। अब आईटी के हिसाब से हमें नहीं पढ़ना, मैं फिर बताऊं कि आप लेकर के इसमें पूरा मेरे से करवाई चले जाओ, एक्सलरेटिंग कटे ना। हाँ, आईटी वालों को पढ़ाता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में रहता है वो, बट आपके लिए उतना काम का नहीं आएगा, बस खाली थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो अगर हम कंटेनर को एक्सलरेट कर दें तो प्रेशर डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर कंटेनर एक्सलरेट कर दिया जाए तो प्रेशर डिफरेंस पर फ़र्क ये पड़ता है, जो एच ओ जी होता है उस जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाता है। तो वर्टिकल लेवल पर जो प्रेशर डिफरेंस चल रहा था P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी, उसकी जगह बन गया जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव का वैल्यू हो गया जी प्लस ए वाई, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो कोई ये कह दे कि हमने इस कंटेनर को रिलीज कर दिया, मतलब फ्री फॉल करा दिया, तो फ्री फॉल करा दिया तो ए का डायरेक्शन नीचे हो गया, जी के बराबर हो गया, जी इफेक्टिव का वैल्यू जीरो हो गया, और ऐसे में वर्टिकल लेवल पर प्रेशर डिफरेंस नहीं आ पाएगा और P2 माइनस P1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो फ्री फॉल करते हुए कंटेनर में हर जगह पर प्रेशर जो मिलेगा वर्टिकल लेवल पर सेम मिलेगा, क्योंकि जी इफेक्टिव का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी में बना करके प्रॉब्लम पूछा जा सकता है नीट एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता दिया। अब एक और चीज़ आप एक्सलेटिंग कंटेनर में देखना, ये वाला ये रिजल्ट ठीक है, काम का है, बट मोस्टली जैसा मैंने बोला IIT के लिए काम में आता है। तो अब जैसे आपने अभी सीखा था सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, वो तब होता है जब कंटेनर के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो। अगर हम कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना शुरू करें तो अब सेम लेवल पर प्रेशर सेम नहीं होता, ठीक है ना। ये प्रेशर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इसको रिलेट ऐसे करो, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है ना। फील्ड के पैरेलल चलने पर पोटेंशियल कम होता है, बिल्कुल वैसे ही एक्सेलरेशन के पैरेलल चलने पर प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होता चला जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विड का जो लेवल होता है, जिधर का प्रेशर ज़्यादा होता है उधर से ऊपर हो जाता है, जिधर का प्रेशर कम होता है उधर से नीचे हो जाता है, और लिक्विड का लेवल आपको कुछ टिल्टेड दिखाई देता है। अब ये जो टिल्टिंग होती है, टेन थीटा, डेरिवेशन में मत पढ़ना आप, टेन थीटा का हमसे वैल्यू पूछा जाता है। ये टेन थीटा का वैल्यू होता है ए एक्स अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हो गया वाई एक्सिस का इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू जी प्लस माइनस ए वाई, अगर ए वाई नहीं है तो ए वाई की जगह जीरो डाल दो, और टेन थीटा का वैल्यू बन जाएगा ए एक्स अपॉन जी। इससे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इस पे बेस्ड वैसे तो सवाल मैंने वीडियो लेक्चर्स और क्लास के अंदर बहुत सारे कराए हुए हैं, क्योंकि वहाँ जनरली मिक्स स्टूडेंट्स रहते हैं, पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना मोर देन इनफ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने पर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा और वहाँ से ऊपर लिक्विड राइज कर जाएगा। अब इस पे बेस्ड आप प्रॉब्लम देखो। अच्छा, एक चीज़ और, इस प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला भी याद कर लो कि P1 माइनस P2 का ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो रो एक्स ए एक्स के बराबर होगा, जहाँ एक्स उनके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन हो जाएगा। पूछा नहीं गया बट फिर भी याद रख लो इस चीज़ को, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब जैसे ये प्रॉब्लम देखो, कहते हैं हम कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हैं, लिक्विड का लेवल 30 डिग्री पर आ चुका है, ठीक है ना, एंगल 30 डिग्री पर आ चुका है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ दिस कंटेनर। तो अगर आपको इस कंटेनर का एक्सेलरेशन निकालना है तो वही सेम टेन थीटा बराबर ए एक्स बाई जी लगाया, सीधे सीधे थीटा की वैल्यू डाली और ए एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, और ए एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया जी बाय रूट थ्री, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको और ज़्यादा एप्लीकेशन हम SHM में भी कर लेते हैं, बट वो आपके काम नहीं आएगा इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा। तो आई थिंक इतना पोर्शन आपके लिए मोर देन इनफ है। तो दो चीज़ें याद रखना, वर्टिकल लेवल पर जी इफेक्टिव, हॉरिजॉन्टल लेवल पर रो एक्स ए एक्स से प्रेशर चेंज करता है अगर कंटेनर एक्सेलरेटिंग हो, और टेन थीटा का फॉर्मूला ए एक्स अपॉन जी इफेक्टिव होता है। एक और चीज़, अब आता है हमारे पास आर्कमिडीज प्रिंसिपल। आर्कमिडीज प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल आप तब लगा पाओगे जब आर्कमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट आपको अच्छे से आता होगा। देखो, आर्कमिडीज प्रिंसिपल में होता ही है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं कम्प्लीटली या पार्शली, तो उस पर अपथ्रस्ट एक्ट करता है। अब अपथ्रस्ट तो सारे जानते हैं एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है, कहाँ से आता है। तो ये जो अपथ्रस्ट डेवलप होता है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आती है, जैसे आप देखो ये जो इसका टॉप सरफेस है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर मान लो P1 प्रेशर है, तो इस जगह पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो होगी P1 इंटू ए, इस जगह पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो होगी P2 इंटू ए। ऑब्वियसली P2 ज़्यादा होगा तो ये वाला वर्टिकल फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला वर्टिकल फोर्स कम होगा, इसलिए नेट फोर्स ऊपर की तरफ बचेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का आर्कमिडीज के हिसाब से जो फॉर्मूला है, जिससे आपका बढ़िया से काम चल जाएगा, होता है रो वी जी। इसमें वी को मैनेज करना आपको स्पेशली आना चाहिए। वी होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा। जैसे मान लो इस पेन को,
मैंने पानी के कंटेनर के अंदर डाला, तो इसका जो आउटर सरफेस है वही तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, इनर का तो कोई मतलब नहीं कि ये सॉलिड है, हॉलो है, कैसा है, क्या है। तो लिक्विड डिस्प्लेस हमेशा आउटर सरफेस करता है, जितना आउटर सरफेस पानी के अंदर इमर्स्ड होगा उतना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो आप थ्रस्ट लिखते वक्त V के ऊपर आप स्पेशली ध्यान देना, V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पोर्शन इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, आउटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखो, रो वी जी होता है, ठीक है। अब अगर मल्टीपल डेंसिटी का लिक्विड है तो सिग्मा रो वी जी लगा लो, ठीक है ना, उसमें भी कोई खास अंतर नहीं है। सिग्मा जैसे अभी आपने सिग्मा एच रो जी लगाया था, बिल्कुल सेम मैनर में सिग्मा रो वी जी लगाएंगे, वो भी अभी आगे मैंने रखा हुआ है। ओके, तो अब हम आते हैं एक्सेलरेटेड कंटेनर पर। तो अगर कंटेनर एक्सेलरेट करे वर्टिकल डायरेक्शन में तो अपथ्रस का फॉर्मूला रो वी जी की जगह जी फैक्टिव आ जाएगा। तो फिर से एक कंसेप्चुअल सवाल, ठीक है ना, वो कंसेप्चुअल सवाल ये, मान लो ये प्लास्टिक का पैन है, मैंने पानी के कंटेनर के अंदर डाल दिया, तैरने लगा और कंटेनर को फ्रीली छोड़ दिया, तो इस पे लगने वाला अपथ्रस कितना होगा। तो अपथ्रस का फॉर्मूला लगाओ रो वी जी इफेक्टिव, क्योंकि मैंने फ्रीली छोड़ दिया तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जीरो हो गया, अपथ्रस जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई कंटेनर फ्रीली फॉल कर रहा है तो ऐसे में उसके अंदर जो बॉडी है उस पर लगने वाला अपथ्रस जीरो रहेगा, क्योंकि उसका जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। ये एक बहुत छोटा पर बड़े काम का कंसेप्चुअल एग्जांपल है, जिनको जी इफेक्टिव का कंसेप्ट नहीं पता उनको नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से लॉज ऑफ मोशन से आप मेरे से पढ़ते आ रहे हो, तो जी इफेक्टिव मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो आपको अभी तक जी इफेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एसएचएम में भी मैंने आपको जी इफेक्टिव सिखाया था। अब चलते हैं आगे, अब आता है प्रॉब्लम। अब कैसे हम अपथ्रस के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा, दो तरीके के केसेस होते हैं, या तो बॉडी तैर रही होगी या डूब गई होगी, ठीक है ना। अगर बॉडी तैर रही होगी तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, कोई भी मिसिंग डेंसिटी या पोर्शन कितना इमर्स्ड है, इस चीज़ के बारे में पूछेगा। और अगर बॉडी डूब जाती है तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमसे पूछा जाता है एपरेंट वेट का कंसेप्ट। तो मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाता हूँ। देखो, ये बॉडी तैर रही है, अब ये तैर क्यों रही है, भाई फोर्सेस बैलेंस होंगी तभी तो तैर रही है। अगर आप इस पे फोर्सेस लगाओगे तो ऊपर आ गया आप थ्रस्ट, नीचे आ गया वेट, बस दोनों को इक्वेट करना है और प्रॉपरली चीजें मैनेज करनी है। जैसे ही आपको इसका मैनेजमेंट आ जाएगा आप थ्रस्ट अच्छा लगने लगेगा। अब सीखो, तो मैंने क्या किया, यू और डब्ल्यू का बैलेंस किया, यू की वैल्यू हो गई रो वी जी, बस सिंपली ऐसे डाला, और डब्ल्यू अपना एम जी। अब जी से जी चाहिए तो उड़ा दो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है सिग्मा बॉडी, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी पूछा गया है। डाटा में दिया गया है 1/4 पोर्शन ऑफ बॉडी इज इमर्स्ड इनसाइड लिक्विड, हमने टोटल हाइट बॉडी की एच ले ली और 1/4 पोर्शन यानी एच बाय 4 इमर्स कर दिया। अब हम इस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब ध्यान देना कैसे, रो वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, जितना बॉडी लिक्विड के अंदर गई। तो ये मैं जो शेड कर रहा हूं बॉडी का आउटर पोर्शन, ये लिक्विड के अंदर है, तो हमें इतना वॉल्यूम चाहिए। ये वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया इनटू ये वाली हाइट, सिंपल सा तरीका। तो इसकी जगह मैंने डाला ए इनटू एच बाय 4। एम क्या, मास ऑफ बॉडी, नहीं दिया है ना तो वो देगा भी नहीं। मास को, बॉडी के मास को कैसे लिखोगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी को हम सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी मतलब वो वॉल्यूम जिसमें मैटर कंटेन्ड है, मास कंटेन्ड है। अब अगर पूरी बॉडी सॉलिड है तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम आ गया, अगर इसके अंदर कैविटी है तो पूरी बॉडी के वॉल्यूम में से कैविटी हटा दो, कैविटी मतलब खाली जगह हटा दो। अब जैसे ये पैन है, ये अंदर से हॉलो है तो सब जगह थोड़ा मास है, तो इसका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे, तो ये जितना भी इनर वॉल्यूम का मतलब समझो ना, जितना इनर पोर्शन में इसमें आ रहा है, जैसे मान लो आप ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पैन ले लो और मास सिर्फ इतने पोर्शन में कंटेंड है, तो अब आप यार क्या करोगे, इसके इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आउटर माइनस इनर ही तो करोगे। तो इस पूरे वॉल्यूम में से ये जो खाली जगह का वॉल्यूम है ये हटा दो, तो अपने आप मैटर कंटेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सिग्मा के साथ मास ऑफ बॉडी लिखते वक्त हमें वो वॉल्यूम चाहिए होता है जितने वॉल्यूम में मैटर कंटेंट है। अब अगर पूरी बॉडी सॉलिड है तो ऐसे में पूरी बॉडी का वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू एच, ये यहां से कैंसिल हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई रो बाय 4। रो था पानी का डेंसिटी, अब पानी का डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दे रखी हो तो सिग्मा बाय रो का वैल्यू आपको दे रखा है, तो वो चीज से भी आप सवाल को कर सकते हो। तो सिग्मा का वैल्यू आ गया
1/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब मैं दिखाता हूं सिंक की हुई बॉडी का कंसेप्ट। अब जैसे ये बॉडी सिंक कर गई, ठीक है ना, पानी के अंदर डूब गई। अब डूब इसलिए तो गई क्योंकि mg का वैल्यू अब थ्रस्ट से ज्यादा था, तो mg अब थ्रस्ट से ज्यादा करते ही, ठीक है ना। अब अपरेंट वेट क्या होता है, mg माइनस अब थ्रस्ट का ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। अब थ्रस्ट कैसे लिखोगे, mg तो बड़ा नहीं, mg अब थ्रस्ट को आपने लिखा, ये मैंने यहां ब्रेक करके लिखा हुआ है, रो vg। v क्या चीज हो गया, v इमर्स्ड पोर्शन का वॉल्यूम हो गया। अब इमर्स पोर्शन का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बॉडी के ही बराबर है क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी पानी के अंदर है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मास बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी से हमने ब्रेक किया, यानी अगर बॉडी पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है और पूरी तरीके से सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई कैविटी नहीं है, तो अब थ्रस्ट की वैल्यू रो बाय सिग्मा एम जी भी आप लिख सकते हो। पर ये ध्यान रखना सिंक की हुई बॉडी या पूरी पानी के अंदर बॉडी के लिए लिखा जा सकता है। अब इस चीज को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और अपरेंट वेट की वैल्यू हमारे पास आ गई एम जी 1 - रो बाय सिग्मा। तो अगर कोई ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के अंदर 200 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एम जी 1 - रो बाय सिग्मा, रो हो गया अपना लिक्विड का डेंसिटी और सिग्मा हो गया बॉडी का डेंसिटी, तो एम जी 1 - रो बाय सिग्मा का वैल्यू 200 न्यूटन हो गया। फिर कहता है एयर के अंदर इतना वेट है, तो एयर के अंदर वेट क्या हो गया यार, एम जी हो गया, तो एम जी का वैल्यू आपको दिया है, वहां से आपसे डेंसिटी ऑफ बॉडी पूछ सकता है या डेंसिटी ऑफ बॉडी दे करके डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ सकता है। तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला ध्यान रखना एम जी टाइम्स 1 - रो बाय सिग्मा। अब चलते हैं हम इसके, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको जनरली किसी भी टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आप मेरे भी टेस्ट के अंदर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत सारे मिलेंगे। तो मल्टीपल डेंसिटी के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम इमर्स करते हैं तो एक अच्छा सवाल बनता है, आईआईटी वाला भी ऐसे ही सवाल पूछता है, तो मेंस लेवल की टक्कर का ये प्रॉब्लम होता है। ये आपको आ गया तो आप किसी भी सवाल को, अब थ्रस्ट के सवाल को बहुत ईजिली कर लोगे। अब मैं सिखाता हूँ उसको, पहले कहानी पढ़ो। ये कहता है अ वेसल कंटेन्स ऑयल, ऑयल की डेंसिटी इतनी है, ओवर मर्करी ऑफ डेंसिटी 13.6। तो नीचे आपको यहाँ पर मर्करी दे रखी है, ऊपर आपको ऑयल दे रखा है, दोनों का डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अ होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन मर्करी एंड अदर हाफ इन ऑयल। तो एक पूरा स्फीयर है जिसका आधा वॉल्यूम यानी V/2 मर्करी के अंदर है, बाकी बचा हुआ आधा वॉल्यूम ये इस ऑयल के अंदर है। ओके, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, हमें निकाल के देनी है सिग्मा की वैल्यू कि यार ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी। अब इस पे काम शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब फ्लोट तो अभी भी कर रहा है ना, डूबा हुआ थोड़ा ना है, पूरी तरीके से सिंक नहीं किया। ये बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये बीच में लटक चुका है, ठीक है ना। तो ये यहाँ हैंग कर गया, अब इसके ऊपर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। फोर्सेस लगाओगे तो ऊपर की तरफ आ गया आप थ्रस्ट, नीचे की तरफ आ गया mg, और यही चीज आपस में बैलेंस करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, तो अब थ्रस्ट को मैंने mg के बराबर किया, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लगाया। अब थ्रस्ट दो लिक्विड्स की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, और दोनों की वजह से आ रहा है, तो हम इस अब थ्रस्ट को ब्रेक करेंगे सिग्मा रो vg। mg को अभी mg ही रहने, तो बाद में निपट लेंगे, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल की। अच्छा, अब रो vg को ब्रेक करते हैं, तो इधर का डेंसिटी हो गया हमारे पास 13.6, वॉल्यूम हो गया V/2। तो मैं यहां डाटा सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूं विदाउट कन्वर्जन, प्लस इधर का डेंसिटी हो गया 0.8 और वॉल्यूम इज ऑल्सो V/2। अब बेटा आपको मास ऑफ बॉडी को ब्रेक करना है, कैसे सिखाया था मैंने, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ मैटर कंटेंट। तो डेंसिटी तो हमें निकालनी है, वो हो गई सिग्मा, और टोटल वॉल्यूम दोनों का मिला दो तो हो गया V। जी मैंने पहले उड़ा दिया, V वाला डाटा भी बेटा यहां से कैंसिल हो गया, ऊपर वाली चीज ऐड हुई और ये मेरे पास आया 14.4/2 = σ। तो सिग्मा का वैल्यू आ गया मेरे पास 7.2 यूनिट एज इट इज वगैरह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये देख लो, एक आईआईटी मेंस लेवल का सवाल भी सिर्फ 3 से 4 स्टेप के अंदर आराम से खत्म हो जाता है अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक अब अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको नीट में दिख गया, क्योंकि ऐसा आया नहीं है ना, तो ऐसा अगर आर्किमिडीज में से नीट में दिख गया तो आप छोड़ के बिल्कुल नहीं आओगे, और किसी भी टेस्ट में मिला तो भी आप नहीं छोड़ करके आओगे। अब चलते हैं अगले पर, ये सेम फिर उसी तरीके का मैंने प्रॉब्लम उठाया। अभी मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ हमारे पास रेक्टेंगुलर या फिर ऐसे बोल लो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। अब डाटा देखो, अ क्यूबिकल ब्लॉक, तो सिलेंड्रिकल भी नहीं दिया, क्यूबिकल दे दिया, अच्छी बात है। ऑफ वुड
10 सेंटीमीटर ऑन साइड, तो साइड आपको इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फ्लोट एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल और वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, और ये जाहिर सी बात है ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, विद इट्स लोअर सरफेस हॉरिजॉन्टल एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस, डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें दे रखा है 0.6, तो ऑयल इधर ही होगा ऑब्वियसली, और इसका डेंसिटी हो गया 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे वाटर हो गया, डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पता क्या करना है, मास, सीधे सीधे मास निकालना, तो उसको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आज कंसेप्ट लगाओ, ऊपर अपथर्स नीचे W, दोनों को बैलेंस मारो, तो U बराबर W किया, U की जगह आ गया सिग्मा रो वी जी इक्वल्स टू एम जी, जी से जी चलो भागो, रो वी जी को ब्रेक किया, ठीक है ना। अब रो वी जी को मैं यहां डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूं, तो इधर का डेंसिटी 1 हो गया, और इधर का वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखोगे, एरिया इंटू हाइट, तो अभी मैं एरिया को ए ले रहा हूं, और इसकी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर, कन्वर्जन हम बाद में निपट लेंगे। ओके, अब अगला वाला, ये मेरे पास आया, इधर का वॉल्यूम आया, एरिया हो गया सेम ए। अच्छा, पहले डेंसिटी लगाते हैं, डेंसिटी है हमारे पास 0.6 इंटू, अब वॉल्यूम की जगह आ जाएगा एरिया इंटू हाइट इक्वल्स टू एम। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अच्छा, अब डाटा जरा चेक करो, ये जो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अच्छा, एरिया को मैं पुट करना बाकी है, एरिया कैसे पुट करेंगे, क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो ये स्क्वायर फेस का होगा, ठीक है ना। मैं पूरा 3D में बनाऊंगा तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, तो 10/10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब से नीचे कटा, ग्राम बचा इधर, प्लस ये बना मेरे पास 0.6 इंटू 6, दैट मीन्स ये हो गया 3.6, एरिया मैंने जैसा बताया 100, और ये भी आ गया ग्राम में, तो टोटल मास की वैल्यू ऑब्जेक्ट की मेरे पास आ गई, ये बन गया आई थिंक 360, तो 760 ग्राम। अब मैं देखूं किस में दिया गया है, तो ग्राम में ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो अब आपको अच्छी तरीके से आर्किमिडीज के अंदर सवाल करना आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने मल्टीपल डेंसिटी तक अब आपको करा दिया है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल की तरफ। ये प्रॉब्लम बरसों से आ रहा है, ठीक है ना, IIT से लेकर के मेडिकल में हर जगह पूछा जाता है, बहुत अच्छा टाइप का प्रॉब्लम है, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। अगर आपको आ गया तो आपके 4 नंबर आप कमा के आओगे, फिर से एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। तो कहता है ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, जिससे हमने 5 kg का ब्लॉक टांग दिया, और इधर की रीडिंग ऑब्वियसली फिर 5 kg है। यहां पर हमने एक कंटेनर रख दिया पानी का, 4 kg उसके अंदर पानी है, और यहां पर ये हमारे पास वेइंग मशीन है, जिसकी रीडिंग ऑब्वियसली 4 kg है। अब हम इसको इसके अंदर डिप कर देते हैं, तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग और वेइंग मशीन की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, रीडिंग बढ़ेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, बट यहां पर मैंने क्या कर रखा है, अब थ्रस्ट भी दे रखा है, तो मैंने कहा नहीं भाई, पूरी एग्जैक्ट रीडिंग ही बताओ। अब क्या किस तरीके से सवाल किया जाता है वो सुनो, जैसे ही ये कंटेनर के अंदर आएगा, पानी इस पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाएगा, तो इसने भी कोई चूड़िया नहीं पहन रखी, ये भी पानी पर नीचे की तरफ अपथ्रस्ट लगाएगा, यानी अपथ्रस्ट दोनों पे लगेगा, ठीक है ना। तो पानी ने इस पे लगाया ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स, और इसने पानी पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ अपथ्रस्ट लगाया, तो खाली अपथ्रस्ट पानी की वजह से ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता, ऑब्जेक्ट की वजह से भी लिक्विड पर उतना ही लगता है, एक्शन रिएक्शन की तरह एक्ट करता है। तो अब आप समझ के चलो, तो लिक्विड ने इस पे ऊपर लगाया अपथ्रस्ट, मैं ये सारा डाटा हटा दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी रीडिंग पहले 4 kg हुआ करती थी, सॉरी 5 kg हुआ करती थी, तो नीचे आया 50 N, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट हो गया विच इज 10 N। अब जो रीडिंग बची, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बची, ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी, और आप इस पे फोर्सेस बैलेंस करके निकालोगे तो ये हो जाएगी 40 N, जिसको अगर आप kg में लिखोगे तो g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 4 kg। तो देखो डायग्राम, मैं इसको हटा ही दे रहा हूं, उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो डायग्राम ही डायग्राम में हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कम हो गई, कम क्यों हो गई, क्योंकि इस पे अपर डायरेक्शन में अपथ्रस्ट आया, तो ये तो हमने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। अब नीचे वेइंग मशीन का देखते हैं, तो वेइंग मशीन, अच्छा इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था, अब मैं सिर्फ कंटेनर और लिक्विड की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं, ठीक है ना। तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था उसका वेट नीचे की तरफ 40 N, इस ब्लॉक की वजह से नीचे यू एक्ट किया, यू का वैल्यू हो गया 10 N, स्प्रिंग बैलेंस से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा या फोर्स लगा एफ का। अब अगर आप इन फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 N, यानी ये आंसर आ जाएगा 5 kg। तो कहानी ऐसी हुई, इस केस के अंदर आधे से
इसने तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसकी रीडिंग को कम कर दिया, बट इसने नीचे की तरफ फोर्स लगा करके इस वेइंग मशीन की रीडिंग को बढ़ा दिया। तो पॉइंट अच्छी तरह समझना, ठीक है ना। तो अगर 5 kg का ब्लॉक 4 kg के पानी के कंटेनर के अंदर डिप करते हैं तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होगी कम हो जाएगी, यू के अमाउंट से कम हो जाएगी, और नीचे जो वेइंग मशीन है उसकी वैल्यू यू से बढ़ जाएगी। तो ये होता है इसका हिडन कंसेप्ट। मान लो ये 3 kg का हो, ये 2 kg का हो, तो पानी में डिप करने के बाद इसकी रीडिंग कम हो जाएगी, ठीक है ना, और इसकी जो रीडिंग होगी वो ज्यादा हो जाएगी। कितने से कम, कितने से ज्यादा, जितना यू का वैल्यू होगा। तो अब तो ये सवाल भी आपके ग्रिप में आ गया। ये भी आप किसी भी आप बुक को उठा करके देखना, आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम के अंदर दिख जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था आर्किमिडीज के ऊपर बेस्ड। एक और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस तरीके का प्रॉब्लम भी जनरली स्टूडेंट को पता नहीं होने की, अब मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा उसका, वैसे मैंने वीडियो लेक्चर्स और क्लास के अंदर पूरा प्रूफ के साथ डिस्कस करता हूं, बट अभी आपको प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। सिचुएशन ऐसी है कि ये 2 ऑब्जेक्ट थे पानी के अंदर तैर रहे थे, ठीक है ना। हमने ये ऑब्जेक्ट उठाया और पानी के अंदर डाल दिया, और सवाल ये पूछा जाता है लेवल ऑफ लिक्विड राइज कर जाएगा या लेवल ऑफ लिक्विड फॉल कर जाएगा। इसमें क्या है कि वो बचपन से आप बेवकूफ बनाए गए हो, ठीक है ना। तो आप कहोगे कहाँ कैसे बेवकूफ बना दिए गए सर, वो कौवे वाली स्टोरी सबने सुन रखी है। कौवा आया, पत्थर डालता गया पानी के अंदर, पानी का लेवल राइज किया और वो पानी पी करके चला गया। यहाँ वैसा नहीं है, कौवा बाहर से आ रहा था, पत्थर डाल रहा था, हर एक पत्थर पानी को डिस्प्लेस कर रहा था, डिस्प्लेस पानी ऊपर चढ़ रहा था और उसका पानी का लेवल जब उसके मुंह तक आ गया वो पानी पी के उड़ गया। यहाँ पर आप बाहर से लाई हुई चीज को नहीं डाल रहे हो, ऑलरेडी जो चीज वहां पर थी उसी चीज को उठा करके पानी के अंदर डाल रहे हो। तो यहाँ पर आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेवल राइज करेगा फॉल करेगा, तुक्के शुरू कर देते हैं लगाना। तो ये मैंने उठा के पानी के अंदर डाल दिया, क्या होगा? तो कई कहेंगे लेवल राइज कर जाएगा, कई कहेंगे लेवल फॉल कर जाएगा। फॉल तो खैर कोई ज्यादातर बच्चे बोलते नहीं, सेम रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो इसके लिए 2 स्टोरी है, ध्यान से सुनना। अगर हमने ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाल दिया, अब 2 केसेस होंगे, या तो ये डूब जाएगा या ये तैरेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ये एक वुडन ब्लॉक था, इसके ऊपर एक छोटा सा आयरन का एक बॉल रखा हुआ था, ठीक है ना। अब इस आयरन बॉल, ये तो वुड की वजह से तैर रहा था, उठा करके हमने पानी के अंदर डाल दिया, क्या होगा? आयरन बॉल तैर पाएगा क्या? डूब जाएगा अंदर की तरफ, तो वो डूब गया। या मान लो लकड़ी के ऊपर एक थर्माकोल का बॉल रखा हुआ था, ये उठा कर क्या, अब हमने पानी के अंदर डाल दिया, तो थर्माकोल थोड़ा ना डूबेगा, वो तो पानी के अंदर तैर जाएगा। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी होती है, या तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, या फिर वो लिक्विड के अंदर तैरने लगेगा। अब लेवल राइज करना और फॉल करना, ये डिपेंड करता है लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ। अगर लिक्विड डिस्प्लेस, यहां का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो आप थ्रस्ट बराबर वेट करके निकालोगे, मैं यहां निकाल दे रहा हूं, तो आप थ्रस्ट को वेट के बराबर किया, वैल्यू डालिए रो वी जी, एम प्लस एम जी, इस तरीके से आप प्रूफ जनरेट करना। मैं नहीं कर रहा प्रूफ, मैं बस खाली रास्ता बता दूंगा। तो एम बाय रो प्लस एम बाय रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब आप इन केसेस का लिक्विड डिस्प्लेस निकालो, ठीक है ना। अब ये लिक्विड डिस्प्लेस अगर पहले वाले लिक्विड डिस्प्लेस से ज्यादा आ गया, मतलब इस सिचुएशन में लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा होने लगा, तो लिक्विड जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा लेवल उतना राइज कर जाएगा, और अगर लिक्विड डिस्प्लेस कम आ गया तो लेवल फॉल कर जाएगा। सेम आया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ना राइज करेगा ना फॉल करेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। तो खेल ऐसा होता है, अगर ऑब्जेक्ट डूब जाता है तो लेवल भी डूब जाता है। अब ये मेरा बोलने का तरीका है, डूब जाता है मतलब लेवल फॉल कर जाता है, यानी इस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में फाइनल लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज लेस देन इनिशियल लिक्विड डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स। अब यहां पर ये तैर गया, तो ऐसे सिचुएशन में फाइनल लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equals to initial liquid displaced। कैसे निकालोगे initial? तो खैर मैंने निकाल ही रखा, final कैसे निकालोगे? इसको balance करके और इसको balance करके। यहाँ का volume of liquid displaced आ जाएगा m by rho, और यहाँ का volume of liquid displaced आ जाएगा small m by rho। Total volume of liquid displaced इसी के ही बराबर हो जाएगा। तो ऐसे situation में final और initial volume of liquid displaced बराबर हो जाएगा। That means level of liquid will remain same। तो देखो ये चमत्कार हो गया, लिक्विड का लेवल राइज ही नहीं किया, किसी भी सिचुएशन में नहीं राइज किया। वो राइज सिर्फ तब करेगा जब बाहर से ला करके ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर इमर्स करोगे, तभी लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा, या तो सेम रहेगा या फॉल करेगा। तो याद करने का तरीका, अगर बॉडी डूब गई तो लेवल डूब जाएगा, और अगर बॉडी तैर गई तो लेवल उतना का उतना ही रहेगा। इसमें राइज कभी नहीं करेगा जब तक आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बाहर से ला करके पानी के अंदर इमर्स नहीं करते। तो ये था आर्किमिडीज का एक थोड़ा ज्ञान वाला प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब जैसे इस पे एग्जांपल ये ले लो, एक आइस क्यूब है,
उसके अंदर लेड के छोटे छोटे बॉल्स हैं, वो जो होती है ना एयरगन के छर्रे, तो वो लेड बॉल्स आप मान लो उसके अंदर किसी ने कोई था सन की, उसने जब बर्फ जमा रहे थे तो लेड के छोटे छोटे बॉल्स उसके अंदर डाल दिए। अब आइस क्यूब को पानी के ग्लास के अंदर डाला, क्या होगा, बर्फ पिघल गई और लेड शॉट पानी के अंदर डूब गए, फाइनल लेवल क्या होगा, राइज करेगा या फॉल करेगा या सेम रहेगा। अब लेड शॉट डूब गए तो डूब गए तो डूब जाएगा, यानी लेवल फॉल कर जाएगा। मान लो बर्फ जमाते वक्त थर्माकोल की बॉल डाल दी, अब क्या होगा, अब वो थर्माकोल तैरने लगेगा तो लेवल ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सेम रहेगा, सॉरी लेवल ऑफ लिक्विड सेम रहेगा, ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस बढ़िया से प्रॉब्लम का एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो फिर से याद करने वाला कंसेप्ट है, इसको आप सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में पढ़ो यहाँ पढ़ो, मेरे लिए तो बात बराबर है। लिक्विड के तीन तरीके के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन, लैमिनर। लैमिनर आप मेरे से विस्कोसिटी में पढ़ चुके हो, जिसमें लिक्विड लेयर के अंदर फ्लो करता है, हर लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। लेयर की जब आपस में मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करता है कि फ्लो लैमिनर है या फ्लो टर्बुलेंट है। इसका रेनॉल्ड्स नंबर यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट मास बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये इसका ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। डिराइव करने के बाद ये हमारे पास आता है रो वी आर डिवाइडेड बाय ईटा। वी हो गया लिक्विड की वेलोसिटी, आर हो गया पाइप का रेडियस जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, रो हो गई पानी की डेंसिटी और ईटा हो गया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। अब वैल्यू क्या याद करनी है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में लाई करती है तो ऐसे में फ्लो लैमिनर होता है, ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर होता है। स्ट्रीमलाइन तब जब लिक्विड नॉन विस्कस होगा। अच्छा, अगर ये लाई करता है 2000 से 3000 के बीच में तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विड का फ्लो चेंज हो रहा होता है लैमिनर से टर्बुलेंट में। अगर इसकी वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती है रेनॉल्ड्स नंबर की तो ऐसे में फ्लो डेफिनेटली टर्बुलेंट होता है। तो ये तीन पॉइंट थ्योरी पॉइंट आपको याद रखने हैं, 0 से 2000 लैमिनर, 2000 से 3000 लैमिनर से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है और 3000 से ज़्यादा होने पर टर्बुलेंट हो जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। अब आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पर, कंटिन्यूटी और बर्नौली। कंटिन्यूटी और बर्नौली अगेन बहुत आसान है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपने सीखना है। एक तो आपको इसमें सीखना है वो लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, जो कि सवाल आपका आई थिंक नीट में आया था। दूसरा वो छत उड़ जाने वाला सवाल, वो आपका एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। तीसरा वो टैंक के प्रॉब्लम्स, चौथा वेंचुरी मीटर के प्रॉब्लम। तो इन चार सेक्शन में से फिर से मान के चलो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम फंस जाएगा और आप नहीं फंसोगे, आपका सवाल 100% करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको हम लोगों को अप्लाई करना, कंटिन्यूटी और बर्नौली को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं फिर बोल रहा हूँ कहीं से भी मुश्किल नहीं है, अब बस आप थोड़ी सी सही से प्रैक्टिस जरूर कर लेना तो मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब देखते हैं क्या बताती है। इसका स्टेटमेंट है, जब लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो हो रहा होता है तो मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसको बोलते हैं रो ए वी, तो मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कॉन्स्टेंट रहता है। अब क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल शब्द का मतलब ध्यान रखना डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो ए वी का प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यानी ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। इस ए वन वी वन को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अब अगर प्रॉब्लम्स में रेट ऑफ फ्लो पूछा जाए तो आपको कुछ खास नहीं करना, ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल के देना है, दैट थिंग इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो को डिनोट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम से। तो कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट अच्छी तरह ध्यान रख लो, यहाँ मैंने लिख दिया है रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी ए वी इज इक्वल्स टू ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, यानी जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा। इसको आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, जो आपने वहां सीखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। ए वी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब जहां का एरिया कम होगा वहां की वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। अब इस पे बेस्ड एक दो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जो कंटिन्यूटी के बहुत आसान एग्जांपल्स होते हैं और एग्जाम के अंदर आप इनको बहुत इजीली कर सकते हो, वो ये है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक पाइप का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, लिक्विड इधर से आ रहा है और इधर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से आने वाले लिक्विड की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, इधर वाले पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें ए दे रखा है, वेलोसिटी 1.5 है, यहाँ का एरिया 1.5 है एंड इधर की वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो क्या करोगे, इस जंक्शन पर इनकमिंग आउटगोइंग का प्रिंसिपल लगा दो, तो इनकमिंग हो गया ए इंटू बी यानी 3 इंटू ए, तो बस खाली वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और आउटगोइंग हमारा दो पार्ट में हो गया, दोनों को इक्वेट किया और इधर साइड के लिक्विड की हमारे पास वेलोसिटी आ गई जो कि आ गई 1 मीटर पर सेकंड। एक और प्रॉब्लम है जो इसमें बहुत कॉमन है वो है टैप वाटर ड्रॉपलेट का। अब जैसे टैप से जब पानी निकल रहा है
तो जैसे जैसे ये पानी की जेट नीचे चलती चली जा रही है, स्पीड ग्रेविटी की वजह से बढ़ती चली जा रही है, स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाएगा, और यहाँ पहुँचने पर, ग्राउंड पर पहुँचने पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। अब हमें पता करना है कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका फाइनली रहता है जब ये जो लिक्विड की जेट है जब ग्राउंड पर टकराती है। तो ऐसे किसी भी सवाल के लिए सबसे पहले आप ग्राउंड की वेलोसिटी निकालो, ग्राउंड पर टकराते वक्त वेलोसिटी कितनी है, थर्ड इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यू स्क्वायर मेरे पास हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, तो इधर आ गया 1 प्लस 2, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से 10, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर। अब देखते हैं कितना आता है ये आंसर, तो इधर बन गया 1.53, ये हो गया 4, और v का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ग्राउंड से टकराते वक्त इस जेट की जो स्पीड है वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एरिया निकालना है, वो हम कंटिन्यूटी लगा के निकाल लेंगे। तो कंटिन्यूटी लगाओगे तो a1v1 इक्वल्स टू a2v2। a1 यानी यहाँ का एरिया वो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, v1 यानी इधर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, a2 ग्राउंड का एरिया ये हमें निकालना है, v2 यानी इधर ग्राउंड की वेलोसिटी विच इज 2, तो a का वैल्यू आ गया 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का प्रॉब्लम, ये भी कॉमन प्रॉब्लम था जो कंटिन्यूटी के ऊपर मिलता है, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ बर्नौली थ्योरम पर। बर्नौली थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा था। ये कहता है टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है ना, टोटल एनर्जी, खाली टोटल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट मास। तो ये ध्यान रखना, खाली टोटल एनर्जी नहीं, पर यूनिट मास होना जरूरी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट मास इज कॉन्स्टेंट, और तीन तरीके की फ्लोइंग लिक्विड के पास एनर्जी होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो कई बार एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल ना पूछ करके वो स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं कि बर्नौली थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखना, टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट मास इज कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉन्स्टेंट, और पुट करने पर ये रिजल्ट आता है पी बाय रो। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन ध्यान रखो, वी स्क्वायर बाय टू बाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो बहुत आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर मास से डिवाइड मारो, मास निकल लेगा। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बाय एम करोगे तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आया हमारे पास पी बाय रो, पी बाय रो हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, वी स्क्वायर बाय टू हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और जी एच हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो तीनों एनर्जी पर यूनिट मास का जो सम है फ्लोइंग लिक्विड के लिए वो कॉन्स्टेंट है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, उस पर जाने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें और सुन लो। इसके स्टेटमेंट में एक और चीज़ आती है, अगर हम जी से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ बन जाती है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय टू जी बन जाता है वेलोसिटी हेड, और एच बन जाता है ग्रेविटेशन हेड। तो तीनों हेड का जो सम होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है, ये भी बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो फिलहाल मैं बर्नौली थ्योरम इस तरीके से लगाता हूँ, तो मेरा तरीका यही है, पी बाय रो प्लस वी स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, इसके एप्लीकेशन में आता है हमारे पास वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन, जिसमें हमें एरोप्लेन के ऊपर लगने वाला मिनिमम फोर्स निकालना होता है जो उसे उठाने के लिए, हवा में ऊपर लिफ्ट कराने के लिए, टेक ऑफ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें कंसेप्ट क्या काम करता है, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं इनके एरोडायनेमिक शेप के कारण जो एयर ऊपर से पास करती है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, और जो एयर विंग्स के नीचे से पास करती है वहाँ की वेलोसिटी कम होती है। कोई हाइट का डिफरेंस यहाँ पर होता नहीं। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जो रिजल्ट आएगा आप याद रखना, ठीक है ना। एरोप्लेन के ऊपर का कंसेप्ट और जो रूफ उड़ाने वाला कंसेप्ट होता है, टिन शेड वाला कंसेप्ट, वो दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। तो आप इन रिजल्ट्स को याद करना, तो आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे फॉर्मूला लगाओ काम चल जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, अच्छा, तो जहाँ की वेलोसिटी हाई होती है। बट ये ध्यान रखना, ये जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ ये सेम लेवल के लिए, अगर हाइट का डिफरेंस आया तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर हमें पूरा बर्नौली कंटिन्यूटी लगाना पड़ता है। तो जहाँ का वेलोसिटी हाई होता है वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ का वेलोसिटी कम होता है, लो वेलोसिटी होता है, वहाँ का प्रेशर हाई होता है। इसलिए इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होती है। ये फोर्स विंग को या फिर प्लेन को ऊपर लिफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इस फोर्स को निकालने का तरीका हो गया प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो बेसिकली हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा जिसके लिए हम बर्नौली थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पी वन बाय रो प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच वन इज इक्वल्स टू पी टू बाय रो प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच टू। अब क्योंकि कोई हाइट का चेंज तो हो नहीं रहा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। अब P1 यहाँ का प्रेशर ले लेते हैं, तो ये हो गया हाई प्रेशर बाय रो, और V यहाँ की वेलोसिटी होगी जो कि हो गई लो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। P2
P2 यहाँ का प्रेशर हो गया, वो हो गया लो प्रेशर डिवाइडेड बाय रो प्लस, और जहाँ प्रेशर लो है वहाँ वेलोसिटी हाई है, तो हाई वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो रिजल्ट हमारे पास बना पी हाई माइनस पी लो बाय रो इक्वल्स टू वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बेटा हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई, और ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई रो बाय 2 टाइम्स हाई वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाई वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस आ गया तो फोर्स की वैल्यू हो गई प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, जहाँ एरिया विंग्स का एरिया ले लेंगे, तो फोर्स का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रो बाय 2 वी हाई का स्क्वायर, फॉर्मूला ध्यान रखना, माइनस वी लो का स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग। तो ये वो फोर्स होगी, मिनिमम फोर्स होगी जो प्लेन को ऊपर लिफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब अगर प्लेन एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़ रहा होगा तो उस सिचुएशन में ये अपवर्ड फोर्स नीचे के mg को बैलेंस करेगी, और जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होगा तो ये फोर्स mg से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तभी तो प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो चीजें ध्यान से सोच समझ के लगानी है। अगर एग्जामिनर ऊपर उठाने वाली मिनिमम फोर्स पूछे तो ये जो मिनिमम फोर्स होनी चाहिए ये उसका फॉर्मूला है, एंड दिस फोर्स मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन mg, ठीक है ना। और अगर प्लेन इक्विलिब्रियम में एक लेवल पर, एरोडायनेमिक लेवल पर या पर्टिकुलर लेयर के अंदर फ्लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो ये जो फोर्स होगी एग्जैक्टली एमजी के बराबर होगी। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है एक्शन ऑफ एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है, ये एक पंप होता है, स्प्रे पंप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम नोजल को पीछे खींचते हैं तो यहाँ से एयर बहुत हाई वेलोसिटी से अंदर की तरफ आती है, जहाँ वेलोसिटी हाई होती है, अभी मैंने बताया प्रेशर लो हो जाता है, तो इधर का प्रेशर लो हो जाता है। इस ये जो बॉटल लगी हुई है यहाँ पर, तो एयर रेस्ट पर है, यहाँ पर तो मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ क्या सीधे सीधे बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है और कोई एयर का मोशन यहाँ पर है नहीं, तो इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर के कंपेरिजन में हाई हो जाता है। तो जब हम पंप को पकड़ करके पीछे खींचते हैं तो लिक्विड यहां से यहां राइज करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और यहां पर हमारे पास एयर और लिक्विड का एक मिक्सर आ जाता है, जिसको पंप को प्रेस करने पर वो आउटसाइड डायरेक्शन में इजेक्ट हो जाता है। तो ये एटोमाइजर का प्रिंसिपल होता है, कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछने आ रहा। अब अगला निमार्कल, ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ विंड स्टॉर्म। तो विंड स्टॉर्म, तो जब हवा चलती है तो ऐसे सिचुएशन में घर के अंदर, अब घर के अंदर थोड़ा ना मान के चल रहे हैं कि यार वहां पर हमारे पास हवा एंटर कर रही है तो दीवार की वजह से हवा तो अंदर रुक गई, तो यहाँ की तो वेलोसिटी जीरो हो गई, बट ऊपर की वेलोसिटी काफी हाई हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में इधर का प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो कुल मिला के एक प्रेशर डिफरेंस की फोर्स आती है फोर्स आती है अपर डायरेक्शन में, जो रूफ को ऊपर की तरफ उड़ा देती है। अब वो फोर्स कितनी, वो सेम एज इट इज वही रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट मैं वैसे के वैसे ही लिख दे रहा हूं। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अप द रूफ वो हो गया रो बाय 2 वी हाई का स्क्वायर माइनस वी लो का स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेम प्लेन वाला कंसेप्ट यहां पर रूफ के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। अब आप प्रॉब्लम देखो, तो प्रॉब्लम मैं यहां पर ये डिलीट कर रहा हूं, वापस से हम लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है ना, और आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो कहता है, अच्छा ये प्रॉब्लम नीट 2015 का है। तो अ विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ हाउस। तो 40 मीटर पर सेकंड से रूफ के पैरेलल विंड ब्लो कर रही है। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया सीधे सीधे रखा है, अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इन साइड द हाउस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ की वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो गई। द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन तो अपवर्ड हो गया, फोर्स कितनी लगेगी वो लगाओ फॉर्मूला। तो रो बाय 2 वी हाई का स्क्वायर माइनस वी लो का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करते हैं सिंप्लीफाई। रो हो गया डेंसिटी ऑफ एयर, वो हमें सीधे सीधे क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 डिवाइडेड बाय 2। एरिया भी यहीं लगा दो, एरिया की वैल्यू 250 हो गई मीटर स्क्वायर में, सारा एसआई सिस्टम में चल रहा है, फोर्स न्यूटन में आ जाएगी। वी हाई की जगह आ जाएगा बेटा 1600, और वी लो वो हो गया जीरो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैंने किया ही हुआ था, तो आंसर आ रहा है 2.4 × 10^5 न्यूटन, और डायरेक्शन इसका आपको बताइए कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो गया। तो प्रॉब्लम आप देख लो अच्छी तरह, अगर आपको ऐसे टाइप के फॉर्मूले आते हैं तो कंटिन्यूटी और बर्नौली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म इसका। अब मैं चल रहा हूँ आपको लेकर के नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है हमारा वेंचुरी मीटर का कंसेप्ट। वेंचुरी मीटर भी क्या करता है, ये भी फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है। तो इसमें लिक्विड फ्लो करता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक बड़ा एरिया और एक छोटा एरिया। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बना के दूंगा, उसको याद कर लो, कंटिन्यूटी बर्नौली नहीं लगाना पड़ेगा।
तो जहाँ एरिया ज़्यादा होगा ठीक है, वहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी और यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अभी भी आपने पढ़ा सेम लेवल के लिए प्रिंसिपल, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ का प्रेशर जो होगा वो कम होगा, इसलिए यहाँ लिक्विड कम हाइट तक राइज करता है और यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा हाइट तक राइज करता है। और इस डेल्टा एच से इसको देखते हुए हम फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैंने जो रिजल्ट डराइव किया हुआ है वो इस लार्ज वेलोसिटी का किया हुआ है, उसके पीछे की सोच ये, जो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वही टैंक के अंदर बनता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि जहां का नैरो क्रॉस सेक्शन हो वहां की वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, कंटिन्यूटी बर्नौली कभी नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो, तो इस वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है ये कंटिन्यूटी बर्नौली लगाने के बाद है ठीक है ना, वो आर आई टू डेल्टा पी बाय रो वन माइनस ए बाय ए का होल स्क्वायर। डेल्टा पी की वैल्यू यानी यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इस वर्टिकल हाइट वाले फॉर्मूले से, वो आपके सामने है गेरा। आपको डेरिवेशन में नहीं घुसना, आप सीधे सीधे रिजल्ट याद रखो। तो वेंचुरी मीटर के अंदर जो लार्ज वेलोसिटी है, या फिर ऐसे बोला जाए नैरो एंड की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी निकालने का हमारा जो सिंपल सा तरीका है, वी नॉट निकालने का जो तरीका है वो है 2gh। h यहाँ पर इन दोनों हाइट का डिफरेंस है, तो आप इसको डेल्टा h बोल लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाय वन माइनस ए बाय ए का होल स्क्वायर। छोटा ये हो गया, स्मॉल ए हो गया, वो आप उसके नोटेशन से ही समझ जाओ। छोटा ये हो गया छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बड़ा ये हो गया बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले ये फॉर्मूला याद करो, इससे आपको वेंचुरी मीटर में कुछ और नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो नैरो एंड की वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो गया 2g∆h अंडर रूट 2g∆h बाय 1 माइनस a बाय a का होल स्क्वायर। अब इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए और ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी और ये वेलोसिटी हमारी अंडर रूट 2gh के बराबर आ जाएगी, यानी फ्री फॉल वाली वेलोसिटी के इक्वल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सिचुएशन डिपेंडेंट है कि एरिया हमें कैसे दे रखे हैं। अब क्या क्या होता है, आपने वी नॉट निकाल लिया, मान लो एग्जामिनर आपसे वी नॉट नहीं कहता, कहता है वी की वैल्यू बता दो, तो नहीं, हम वी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं ड्राइव करने वाले, हम कंटिन्यूटी लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू लगा के हम कहीं की भी और एंड की वेलोसिटी दे सकते हैं। मान लो एग्जामिनर आपसे रेट ऑफ फ्लो पूछता है, तो रेट ऑफ फ्लो पूछेगा तो आपको ए इंटू वी का प्रोडक्ट निकाल के देना है, वो इसका रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम देखते हैं, तो प्रॉब्लम ये रहा कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेंचुरी मीटर का सेटअप है और जो हाइट का डिफरेंस है डायरेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ पर पूछा है फाइंड रेट ऑफ फ्लो। तो पहले मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया और वी नॉट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट, लगाओ मेरे साथ साथ, अंडर रूट 2g∆h बाय 1 माइनस ए बाय ए का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं बेटा सिंप्लीफाई और सारी चीज़ें ऐसा ही सिस्टम में पुट करेंगे। 2g की जगह आ गया 10, हाइट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बन गया अपना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस छोटा a बाय बड़ा a। अब छोटा a यहाँ का एरिया, बड़ा a यहाँ का एरिया, आप देखो ये एरिया और ये एरिया कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा है जिसको हम निगलेक्ट कर सकें। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं 4/5 स्मॉल a बाय a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई, ऊपर मेरे पास आ गया 4, ये 10 की पावर माइनस 1 जो ऊपर बचेगा उसको मैंने नीचे लगा दिया। ओके, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 16/9 बचा, 1 माइनस करने पर ये हमारे पास हो गया 25-16, दैट मीन्स नीचे बचा 9 और ऊपर आ गया मेरे पास 25। अब जो चीज़ें रूट से बाहर आ रही हैं उसको रूट से बाहर निकाल लो, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई 2 इंटू, अच्छा और इसको भी अभी और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे कर लो 25 4 100, तो एक ऊपर 10 बचा, नीचे हमारे पास 9 बचा। अब 10 को रूट 10 बड़ा रहने दो या 3.14 करके पुट कर लो आप इसको, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू पाई के ही बराबर होती है, डिवाइडेड बाय 3। तो आप इस तरीके से वी नॉट की वैल्यू लिख सकते हो, ये आंसर हमारे पास आया मीटर पर सेकंड में। ओके, अब हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए ए इंटू वी का प्रोडक्ट ले लिया, ए हो गया इधर का क्रॉस सेक्शन का एरिया। अब हमें एरिया ऐसा ही सिस्टम में डालने पड़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में हमने एरिया डाला, वी नॉट की वैल्यू डाली √10/3 मीटर क्यूब, तो आंसर आ गया 4√10/3 इंटू 10^-2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10^-4 यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मतलब मुश्किल नहीं है भाई, अगर आप सही से, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, सही से ग्रिप बन गई आपकी इसके अंदर, आपसे ऐसे सवाल होने लग जाएंगे आपका हाथ नहीं अटकेगा इसके अंदर। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको टैंक के प्रॉब्लम की तरफ, टैंक वाला भी सेम एज इट इज कंसेप्ट है। अब जैसे आप देख रहे हो ये एक ओपन टैंक है, तो इस टैंक में हमने यहाँ पर एक होल कर दिया और इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा सा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी का वही सेम फॉर्मूला आता है जो अभी हमने
वेंचुरी मीटर में याद किया था, अंडर रूट 2gh बाय 1 माइनस a बाय a का होल स्क्वायर। अब a बाय a वाला टर्म निग्लेक्ट हो गया क्योंकि होल का एरिया बहुत छोटा है, तो जो वेलोसिटी बची इस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। और आप चेक करो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्री फॉल वेलोसिटी के बराबर है। अब इसमें ये जो स्मॉल h है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ होल। ये टर्म्स ध्यान रखना, स्मॉल h होता है डेप्थ ऑफ होल फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ होल की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है, लिक्विड की डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कैसा भी टाइप का लिक्विड हो, पानी हो, ऑयल हो, अगर डेप्थ सेम है तो लिक्विड की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड और टाइप ऑफ लिक्विड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ होल फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब इससे जो निकलने वाला लिक्विड है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ आगे गिरता है और इस दूरी को हम इसकी रेंज बोलते हैं। अब ये रेंज कैसे निकाली जाए, इसका डेरिवेशन मैंने इधर दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया जिसकी इक्वेशन हमने ट्रेजेक्ट्री की लगाई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, पुट करने के बाद एक्स का फॉर्मूला आया। तो अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, याद करके चलो, डिराइव नहीं करना एग्जाम में। तो जो रेंज का फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर रूट 4 डेप्थ इनटू हाइट। तो फॉर्मूला रेंज का याद करके चलो और बहुत आसान है याद करना, अंडर रूट 4 डेप्थ इनटू हाइट, ये डेप्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, ई फ्लक्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gh, रेंज का फॉर्मूला अंडर रूट 4 डेप्थ इनटू हाइट। अब इसके दो और एप्लीकेशन है जो मैं दिखाता हूँ। देखो अगर हम कंटेनर के अंदर दो जगह पर होल करें, ठीक है ना, सच दैट डेप्थ देखो जरा इधर और हाइट सेम हो, ठीक है ना। देखो इसकी डेप्थ h है और यहां से इसकी हाइट h है, तो अगर सेम डेप्थ और सेम हाइट पर दो होल किए जाएं तो ऐसे में निकलने वाले लिक्विड की जो रेंज होती है वो सेम होती है। तो सेम रेंज का कंसेप्ट यहां पर ऐसे आता है कि डेप्थ और हाइट सेम होने पर रेंज जो होती है वो सेम होती है। अब जैसे जैसे यहां से हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएं और आप देखो अगर हम एक होल करें जो बिल्कुल बीच में हो, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन से ये रिजल्ट आता है मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी लगाते हुए, बट आप डायरेक्ट समझो। तो अगर हम एक होल करें जो बिल्कुल बीच में हो, यानी h by 2 डेप्थ पर हो और h by 2 हाइट पर हो, बात एक ही है, तो ऐसे से लिक्विड से निकलने, ऐसे टैंक से निकलने वाले लिक्विड की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। और फॉर्मूला अंडर रूट 4 डेप्थ इनटू हाइट, डेप्थ हो गई h by 2, हाइट हो गई h by 2, ले दे के बचा h, यानी इसमें से लिक्विड उतना ही बाहर रहा, उतना ही मैक्सिमम रेंज तक आता है जितना टोटल लिक्विड का लेवल होता है उसके अंदर। तो एक बार वापस से सुनो, रेंज कब मैक्सिमम होगी, तो रेंज तब मैक्सिमम होगी जब आप होल करोगे टैंक के बिल्कुल बीच में, जितनी डेप्थ हो उतनी ही ग्राउंड से हाइट हो। पॉइंट इतना समझ आ गया, तो अब चीजें दिमाग में सेट करो, रेंज सेम तब होगी जब डेप्थ और हाइट सेम हो, और रेंज मैक्सिमम तब होगी जब आधे डेप्थ और आधे हाइट पर आप होल करो, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कितना होगा, एच के बराबर। ये वो चीजें हैं जो हमसे टैंक वाले प्रॉब्लम्स के अंदर पूछी जाती हैं। अब प्रॉब्लम देखो, तो आप यहां पर देख रहे हो कि मैंने इसका, हम एक बार पहले डाटा डिलीट करें तो ये सारा लिखा रहेगा तो फिर आप समझोगे क्या। तो मैं इसको डिलीट मार रहा हूं। अच्छा, अब कहानी ऐसी है, हमें इसके अंदर होल करना है। अब किस जगह पर होल करें सच दैट निकलने वाले लिक्विड की रेंज मैक्सिमम हो, तो कैसे इसको डिसाइड करोगे, तरीका ये है, ध्यान देना। सबसे पहले टोटल लेवल लिक्विड का देख लो, तो h प्लस 2h हो गया 3h, दैट मीन्स हमें होल आधे पर करना है। तो आधे पर मैंने होल किया, आधा हो गया इसका 3h का 1.5h, तो ये डेप्थ हो गई और इधर से ये 1.5h ये हाइट हो गई। अब निकलने वाले लिक्विड की पहले वेलोसिटी लिखते हैं, ई फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट 2gh, h की जगह आ गया 1.5h, दैट मींस बना हमारे पास अंडर रूट 3gh। अब निकलने वाले लिक्विड की रेंज मैक्सिमम होगी और ये जो मैक्सिमम रेंज हमारे पास आएगी ये टोटल लिक्विड लेवल के बराबर आ जाएगी, दैट मींस आंसर हो गया 3h। तो होता है ना, देखो आसान, तो कुछ नहीं करना होता। मान लो एग्जामिनर ने एक और सवाल दे दिया, कहता रेट ऑफ फ्लो बताओ, तो यार क्या करोगे, एरिया इनटू वेलोसिटी कर लो, रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। अच्छा, अब टेक्स्ट देखो, अब मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर ये जो टेबल है इसकी हाइट कर दी 2h और इसके ऊपर टंकी में पानी भरा h हाइट तक, अब बताओ रेंज कब मैक्सिमम होगी। अब अगर आप टोटल का आधा करोगे तो 1.5h वो तो यहां आएगा, ठीक है ना, वो आप देख रहे हो ना, वो टेबल के अंदर थोड़ा ना छेदने बैठ जाओगे, ठीक है, आपने डर लिया और टेबल की टांग के अंदर छेद कर दिया तो पानी नहीं आएगा, पानी ऊपर गिर पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमें होल करना पड़ेगा बिल्कुल बॉटम पर। हाँ, निकलने वाली रेंज मैक्सिमम तो होगी पर वो मैक्सिमम नहीं होगी जो लास्ट सवाल के अंदर आई थी, उससे थोड़ी सी कम आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम सबसे जो लोएस्ट लेवल होगा वहां होल करेंगे और इस सिचुएशन में निकलने वाले लिक्विड की रेंज बाकी सबके कंपैरिजन में मैक्सिमम होगी पर वो मैक्सिमम नहीं होगी, 3h के बराबर नहीं आएगा। तो रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट 4 डेप्थ इनटू हाइट,
डेप्थ हो गई h, हाइट हो गई 2h और रिजल्ट आया 8h स्क्वायर 2√2h, तो 3h से तो कम ही हुआ ना 2√2, तो रेंज मैक्सिमम तो आई पर वो मैक्सिमम नहीं आई जो आधे पर होल आधे डेप्थ पर होल करने पर आती थी। तो ये भी एक काम का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाँ ये आया था आपका लास्ट ईयर नीट 2019 में, बहुत ही बकवास टाइप का प्रॉब्लम है, आराम से उड़ा सकते हैं। देखो पढ़ो, अ स्मॉल होल ऑफ एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुल्ली ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। तो एक टैंक है जिसमें हाइट है 2 मीटर और इसके बॉटम पर होल किया गया। द रेट ऑफ फ्लो, अब रेट ऑफ फ्लो हमें निकालना है, वो कैसे निकलेगा, पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, पानी इसमें पूरा भरा हुआ है ऐसा क्वेश्चन में हमें मेंशनड है, तो हम पहले यहाँ से लिक्विड की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2gh, h की वैल्यू हमने 2 मीटर सब्सटीट्यूट करी, अंडर रूट 40 मीटर। अब अंडर रूट 40 सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 2√10, दैट मीन्स ये आ गया 6.28 मीटर। अब हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया हमें होल का 2 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 2 × 10⁻⁶ × 6.28 आंसर बन गया 12.6 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आप देखो, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये नीट लेवल है, मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आपका आता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जितना लगाना था मैंने लगा दिया। अब आपका काम क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो और कुछ शॉर्टकट्स आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वो वहाँ से आप जब देखोगे आपका दिमाग चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रख करके वहाँ पर रखे हुए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, ताकि आप देखो आपका कुछ और दिमाग उसके अंदर यूटिलाइज हो, ठीक है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये वो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के टेस्ट से, नीट फिजिक्स कोटा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं। इसके अंदर कुछ आपको हिडन ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वो अभी तो नहीं बताऊंगा मैं, जब आपको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से हिडन ट्रिक्स हैं जो इनके अंदर मैंने स्पेशली टेस्ट के अंदर रखे हुए हैं, जिसको करके आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, छोड़ के नहीं जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करके फिर हम ग्रेविटेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।